हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल गुजराती किचन में। आज हम बनाएंगे उड़द दाल की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी है। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। उड़द की दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमें उड़द की दाल को भिगो पानी से दो बारी पानी से वॉश कर लेना है। तो मैंने आधा कप जितना उड़द दाल लिया है। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से उसको साफ़ कर लेंगे ताकि जो भी कोई कचरा है वो निकल जाए। और दो से तीन बार पानी से अच्छे से उसको धो लेना है। पानी मैंने दाल से निकाल लिया है। अभी हम डायरेक्ट ही कुकर में ले लेंगे दाल को और अभी हमें उसको बॉईल करना है। तो अभी हम ऐड करेंगे उसके अंदर पानी। एक कप से ऊपर थोड़ा सा मैंने डाला है, यानी कि सवा कप जितना पानी लिया है। अभी हम उसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच जितना नमक और इसके बाद हम एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे दो तीन ड्रॉप ऑयल के, ताकि हमारा कुकर जब सीटी लगाए तो पानी बाहर ना निकले। और कुकर को बंद करके हम उसकी दो से तीन सीटी लगाएंगे, ज़्यादा सीटी नहीं लगाएंगे। दो से तीन सीटी में अच्छे से ये पक जाएगी। तो कुकर हमारा सीटी लग के ठंडा हो गया है, तो खोल के चेक कर लेंगे। तो ये हमारी दाल बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम उसको फ्राई कर लेंगे। तो अभी कढ़ाई को गरम करने के लिए रखेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। कढ़ाई जैसे ही गरम हो जाए तब ऐड करेंगे दो बड़े चम्मच तेल, और तेल को हमें गरम करना है। उसके बाद ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा। उसके बाद जीरा हो जाने के बाद थोड़ी सी हींग डाल देंगे चुटकी भर। उसके बाद चार पांच करी पत्ते डाल देंगे तुरंत ही। उसके बाद डालेंगे एक चम्मच जितना लहसुन का पेस्ट डालना है, कूट के लिया है। अगर आप चाहें तो टुकड़े भी कट करके ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने ऐड कर दिया है। अभी हम उसको एक से दो सेकंड के लिए लहसुन की पेस्ट को भून लेंगे ताकि अच्छे से ये भून जाए। उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट और उसको भी अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। और गैस का फ्लेम इस टाइम पे स्लो रखेंगे। उसके बाद डालेंगे हरी लहसुन, या अभी ठंडी के सीज़न में मिलती है तो वो दो बड़े चम्मच वो भी ऐड कर देंगे, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और उसको भी अच्छे से भूनने के बाद अभी मसाला ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमें ये तीखी बनानी है इसलिए मैंने तीखा ज़्यादा यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। ये डाल दिया है। अभी एक से दो सेकंड के लिए गैस का फ्लेम स्लो करके भून लेना है। तो ये मसाला अच्छे से भून के तैयार हो गया, तब बॉईल की हुई उड़द की दाल ऐड कर देंगे। आधा कप जितना पानी कुकर में ऐड करके डाल देंगे और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता भी उसके अंदर ऐड करेंगे, करीब दो बड़े चम्मच जितना, और एक बार ही अच्छे से मिक्स करेंगे। आपके घर में थोड़ा लिक्विड ज़्यादा खाते तो उस तरफ से आप पानी डाल सकते हैं। और अभी थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया है। नमक हम नहीं डालेंगे, नमक हमने पहले ही बॉईल करते समय डाला था। अगर आपको टेस्ट के लिए ज़्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। अभी हमें उसको 5 मिनट तक ऐसे ही खुले ही पकाना है ताकि अच्छे से ये बॉईल हो जाए। अगर आप ज़्यादा पानी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये हमारी दाल अच्छे से बॉईल होके हो गई है ठीक, तो ये बराबर है। अगर आपको पतली चाहिए तो थोड़ा इस टाइम पे पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छे से बॉईल होके दाल तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये हमारी उड़द दाल बनके तैयार है। आप उसको रोटी के साथ या रोटला के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। गुजराती किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलती हूँ आपको कैसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।